हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटो ब्लॉग। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो गई थी हमारी तकरीबन 7:30 8 बजे के आसपास। मेरे को एक राइड आ गई थी जो थी मुरादाबाद से अप डाउन, और ये है शिवा ढाबा। और ये अपनी प्राइवेट राइड आई है, कोई वैसी नहीं है कि भाई ओला से, प्राइवेट राइड है अपनी, अप डाउन करना है। अभी शिवा ढाबा मुक्तेश्वर में हम है, इनको वहाँ आधा घंटा रुकना, आधा घंटे के बाद तुरंत वापसी। फिर देखेंगे भैया दिन भर में आज कितने का काम होगा। ये राइड है हमारी 6,000 रुपये की, और क्या भाई, यही है कि ये राइड 6,000 रुपये की है। देखते हैं कितना काट पीट के बचेगा, और फाइनली शाम तक कितने का काम करेंगे, क्योंकि भाई 2-3 दिन है। ये लगा लो 31 2-3 दिन ऐसा है जो तुम्हारा काम बढ़िया निकलेगा। 100-200 रुपए की बुकिंग के चक्कर में ना पड़ो, बुकिंग उठाओ बड़ी बड़ी, सीधा बाहर की कोशिश करो। छोड़ दो ये दिल्ली की 200-200 रुपए वाली राइड जाम में फंसना, भाई 2-3 दिन है, दबा के कमा लो, किस्तें जितनी भरनी है भर लो। तो चलिए बताते फिर आज कितने की अर्निंग होती है भैया दिन भर में। अभी है शिवा ढाबा गढ़ मुक्तेश्वर, खाना वाना खा लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस इनको हमने छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक। तो छोड़ के भैया हमारा जो अर्निंग है वो तो बता दी थी, 6,000 रुपये में हमारी राइड है, और 1,000 रुपये टोल टैक्स, वो तो टोल टैक्स का खर्चा होगा उसमें। MCD भी ले, रोड के दोनों साइड के टोल हो गए, दिल्ली में अंदर करेंगे वो MCD होगी, UP माई वो UP का हो गया, तो सब मिला के 1,000 रुपये टोल के, टोल टैक्स के हम बोल दिए थे, और 6,000 रुपये हमने वैसे लिए। तो 7,000 रुपये की अर्निंग हमारी इस राइड में होगी, बाकी खर्चा अलग है भाई। खर्चे का वो सब फाइनल बताऊंगा कितने का होगा, फिर यहाँ से जाने के बाद भैया ओला में देखेंगे, कोई बाहर की आउट स्टेशन पकड़ूँगा, ओनली आउट स्टेशन खोलूँगा, नॉर्मल राइड खोलूँगा ही नहीं, मिनी ये खोलूँगा ही नहीं, बंद कर दूँगा असली। आउट स्टेशन मिलेगी, ये है आउट स्टेशन मिलेगी तो चला जाऊंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं जाने का, तो जाऊंगा आउट स्टेशन ले गई। तो अभी समय हो चुका है भैया 12 बज गए हैं, और तकरीबन आधा घंटा हो गया इनको गए हुए। हालांकि इनको कहते 15 मिनट में हम वापसी हो लेंगे, क्योंकि अपनी लड़की को छोड़ने आई थी सास के, तो अभी ये वापसी जाएंगे। 15 मिनट बोला था, आधा घंटा हो गया, देखते हैं भैया कितनी देर में। ज़्यादा पुक पुक नहीं करेंगे भाई, कभी बाद में बोल दें कि यार प्लान चेंज हो गया हमारा, हालांकि उनका बैग इसमें रखा, तो प्लान चेंज नहीं होना चाहिए। और जो होगा भी तो भाई मैं बोल दूँगा सीधा, भाई आने का 5,000 है, जाने का 1,000 ही रुपये, बाकी जाएंगे अभी ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा और ले लेंगे, कोई बात नहीं। अभी हम 12 बज गए, 12:30 बजे भी यहाँ से निकल लिए, 3 घंटे लगेंगे भाई जाने में, देखते हैं यार, कठिन तो होगा, बाकी आगे काम होगा नहीं होगा वो आगे कंप्लीट बता ही देंगे आपको, और ऐसा भी हो सकता है मैं घर भी जा सकता हूँ, तो चलिए बताएंगे जैसा भी होगा। तो गाइस उनको मैंने छोड़ दिया, और उनसे हमने चार्ज कर लिया भैया 7,000 रुपये, 1,000 रुपये के मगर टोल टैक्स वगैरह, जिसमें के टोल भी टैक्स भी आने के भी जाने के भी, प्लस 6,000 रुपये हमने उससे चार्ज करे। 360 किलोमीटर की राइड थी, ठीक है, 360 किलोमीटर की हमारी राइड बैठी, और अभी समय हो चुका है 4:30। तो अभी मैं डिवाइस तो खोलने जा रहा था, लेकिन एक मेरी बुकिंग मैंने बताया था कल भाला के, अब उसका फ़ोन आया तो मेरे याद आया, मगर यार मैं तो बाहर था। एक मेरी गांव की बुकिंग है जो एयरपोर्ट से गांव छोड़ कर आनी है, वो है 7:45 की रात में, एक्चुअली उसके चक्कर में बल्कि पूरी रात ख़राब होगी, लेकिन जो भी है, अब गाड़ी का हो चुका सर्विस का टाइम, मैं जा रहा हूँ गाड़ी की सर्विस करवाने। सर्विस होने में मतलब अभी भी ये है कि 500 किलोमीटर की कमी है, 9,500 किलोमीटर हुआ है, 9,500 जने 100-200 ऊपर, तो मैं 10,000 से 200-200 नीचे ही करा लेता हूँ सर्विस, क्योंकि यार रनिंग बहुत लंबी लंबी होती है ना मेरी गाड़ी,
तो इस कारण अभी जा रहा हूँ सर्विस कराने, गाड़ी की सर्विस करा के और फिर रात में उनको छोड़ के आऊँगा। ठीक है, तो जब बताएंगे फाइनल अर्निंग आपको, क्योंकि अभी तो एक बुकिंग बाकी है ना मेरी जान, और वो तो खैर देखो जानने वाला ही है तो उससे ज़्यादा पैसे की उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन जो भी है मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस समय हो चुका है 6 और गाड़ी की हो चुकी है सर्विस, तो सर्विस से तो फ्री हो गए, क्योंकि भाई साहब रनिंग ज़्यादा हो रही गाड़ी की, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, सर्विस से फ्री हो गए। अब जाता हूँ घर, एक घंटा लेट मारवा, फिर लेट क्या मारवा, घर जाऊँ और अम्मा इतने जाके थोड़ा हाथ मुँह धोएंगे, इतना टाइम हो लेगा उसका एयरपोर्ट वाली का, फिर उसको छोड़ना भाई, फिर देखेंगे कहाँ से मिलेगी। तो गाइस मैं आ चुका हूँ गांव, मैंने उनको छोड़ दिया, तो आज काम की बात करी जाए। सुबह ही हमने 6,000-6,500 रुपये की, 7,000 रुपये की राइड मारी थी, जिसमें कि टोटल का खर्चा 1,000 रुपये का लगा के हो गया था, और ये राइड छोड़ी है, इसका बिल अभी हुआ नहीं है क्योंकि आपसदारी में है, तो मैं कहा चल बाद में कर लेंगे, तो वही है ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 रुपये इसका मिलेगा मेरे को, तो 7,500 रुपये के आसपास की अर्निंग बैठेगी हमारी। अगर बात करी जाए CNG की, तो CNG हमारा तकरीबन 1,500-1,700 रुपये की CNG लग जाएगी, आप जोड़ सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो कितने का खर्चा वर्चा इसमें देख लेना, क्योंकि अभी करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड बाय, बाय बाय।